बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू वाले राइस स्पाइसी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, तीन टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है और एक मैंने छोटा प्याज डाला है क्योंकि आलू मेरे पास सिर्फ एक गिलास है। सॉरी, चावल मेरे पास एक गिलास है, आलू निकल गया मेरे मुँह से। और इसे हम हल्का सा गोल्डन करेंगे। हम जब तक प्याज लाइट गोल्डन होते हैं हम इसमें तीन इलायचियां डालेंगे, चार पांच लौंग और दो दालचीनी के टुकड़े छोटे छोटे, तीन छोटे छोटे और एक तेजपात और बिल्कुल थोड़ा सा हम जावित्री डालेंगे, इसे तोड़ लेंगे। अभी थोड़ा सा और गोल्डन करेंगे हम। और ये देखिए इतना गोल्डन हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे जीरा 1 टीस्पून और ये साबुत गर्म मसाले जो मैंने रखे थे, इसमें दो तीन मैंने काली मिर्ची भी डाली थी साबुत। और ऐसे इसे हल्का सा हम फ्राई करेंगे 15 सेकंड के लिए कि ज़ीरा वगैरह काला ना हो। और फिर हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे, और एक टमाटर डालेंगे हम। हल्का सा पानी डाल के हम फिर इसमें स्पाइस डालेंगे। नमक डालेंगे कसूरी मेथी का, लाल मिर्ची 1/2 टीस्पून, छोटी भी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। टमाटर नरम हो जाएंगे तो हम इसमें आलू डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के हल्की आंच पे हम 5 मिनट बनाएंगे, पकाएंगे। ये देखिए नरम हो गए, स्टीम के अंदर प्याज जल्दी नरम हो जाते हैं, वैसे भी बहुत सख्त थे ये। और बाकी जो रहेंगे वो भुनाई में आलू के साथ हो जाएंगे। और ये मैंने तीन छोटे छोटे से आलू थे वो लिए, आपने जितने राइस बनानेंगे उस हिसाब से ले लें। सिर्फ 5 मिनट हम इसे भूनेंगे फिर हम इसमें राइस ऐड करेंगे।
अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। ये मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिए थे और ये एक गिलास राइस है मेरे पास, जो गिलास है उसमें एक किलो तीन गिलास बनते हैं और मैंने एक गिलास लिया है। और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और साथ पानी डाल देंगे दो गिलास। और ये राइस अच्छी तरह मसाले में मिक्स करने हैं, वरना जब हम दम पे लगाएंगे तो आधे में मसाला होगा और आधे में नहीं होगा अगर हमने सारे मिक्स ना किए तो। और ये दो गिलास मेरे पास पानी है। हम हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें आंच हल्की कर देंगे जब पानी इतना रह जाए। दम से ज्यादा हो आंच। और अब हमने इसे 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया और फिर रेडी होंगे। और ये हमारे राइस रेडी हो गए। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। हम डिश आउट कर लेते हैं। और ये हमारे तैयार हो गए आलू वाले चावल, आलू का पुलाव, तिहारी, आप कुछ भी कह सकते हैं इसे। और स्पाइसी बनाए मैंने, आप इसके साथ रायता, अचार कुछ भी ले सकते हैं, साथ सलाद बनाएं। और एक एक दाना इसका देखें खिला हुआ है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जाने से पहले मैं कहूँगी आप मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।